नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का लोकार्पण किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 25 साल देश के युवाओं के लिए काफ़ी अहम हैं। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में सहयोग के लिए सहयोगी देशों का धन्यवाद भी किया। पीएम ने कहा कि बिहार जिस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस उसी की प्रेरणा है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी ये काल महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकलकर छात्र जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप में मानवीय मूल्य की झलक दिखनी चाहिए। नालंदा की धरती विश्व बंधुत्व की भावना को नया आयाम दे सकती है। पीएम ने युवाओं से जिज्ञासु होने की अपील की, साथ ही कहा कि अपने ज्ञान को समाज के हित में लगाएं, इससे नालंदा और पूरे भारत का गौरव बढ़ेगा। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। यह किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोडमैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ दिन पहले आपकी खबर आई कि आप आने वाले हैं तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए हैं, कोई तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए यहाँ पर। तो हम लोग तो बचपन से ना घूमते थे जी, या राजगीर का क्या महत्व है, सब पौराणिक जगह पर आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां भी बताई और ऐतिहासिक महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई है
और उसमें 17 देशों के 400 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए और नालंदा यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है।